लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने की पत्रकारों से चर्चा, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के बारे में बताया। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश इकाई द्वारा दुष्कर्म पीड़िता बच्चियों के लिए देश की बेटी मेरी बेटी जिम्मेदारी ले सरकार के नाम से चलाया विशेष अभियान, 15 सितंबर को होगी शुरुआत। प्रदेश में एक के बाद एक सक्रिय होते मानसून सिस्टम ने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है, बारिश से ढहने लगी है इमारतें। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन में ऐसे काम हुए जो अद्भुत है। इस दौरान सरकार ने कई साहसिक कदम उठाए। यह बात आज राजधानी भोपाल के पंडित दीनदयाल परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कही। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटा दिया है। उन्होंने कहा कि देश से जल्द आतंकवाद खत्म होगा और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को मुख्य धारा से जोड़ा गया। उन्होंने आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताते हुए कहा कि इस योजना से देश भर के 40,93,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार ने ट्रिपल तलाक जैसे बड़े फैसले लेने का कानून बनाया। बाल यौन शोषण कानून ने भी कई बदलाव मोदी सरकार द्वारा किए गए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम और परिश्रम की प्रकाष्ठा, और उसी का परिणाम है कि 100 दिन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जो अद्भुत भी है, अद्वितीय भी है और बड़े से बड़े परिणाम देने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली मोदी की यह सरकार पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त कर रही है। अद्भुत फैसले लिए जा रहे हैं, साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 धारा समाप्त कर दिया गया, 35A भी अब नहीं रहा। हम सब जानते हैं कि संविधान में 370 अनुच्छेद के कारण जम्मू कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद को जन्म दिया, पनप रहा था, बढ़ रहा था। मोदी सरकार के संकल्प ने उस पर बहुत हद तक उसको दबाने में, रोकने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अब 370 की समाप्ति के बाद आतंकवाद अब चंद दिनों का यूं कहे कि समाप्ति की ओर है और जल्द ही आतंकवाद मिट जाएगा, भारत में शांति व्याप्त होगी और संविधान के 370 धारा उस अवधारणाओं से, इस अवधारणा के कारण देश में एक अलग पहचान बना रखा था वह समाप्त होगा और अखंड भारत का सपना पूरा हुआ है संविधान की 370 धारा के बिटने से। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को मुख्य धारा से जोड़ दिया गया। 370 धारा के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास से कोसों दूर थे। पूरे देश में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं लागू हो जा रही थी जिसके कारण विकास तीव्र गति से हो रहा था। कई ऐसे वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को ऐसे अधिकार जो देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में
उनको जो आरक्षण की व्यवस्था थी उससे भी कश्मीर के लोग वंचित रह जाते थे। विकास के नाम पर लाखों करोड़ रुपए कश्मीर में जाया करता था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कश्मीर के उन्नति के लिए विकास के लिए जाया करता था, लेकिन मात्र तीन परिवारों के बीच सिमट कर वह उन्नति रह जाती थी, कश्मीर विकास से हमेशा दूर दूर रह जाता था। 370 की समाप्ति के बाद मुख्यधारा से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़ा है। वहाँ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचे भी अब सुदृढ़ होंगे, आतंकवाद का खात्मा होगा। 370 धारा, 376 अनुच्छेद और 35A अनुच्छेद की समाप्ति के बाद हिंदुस्तान की एकता और अखंडता और मजबूत हुई। बंधुओं, मोदी की सरकार, मोदी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो प्राथमिकता के आधार पर जो काम कर रही है वह गरीब कल्याण का काम है, गरीब कल्याण का काम है। 2022 तक प्रत्येक गरीब परिवार वैसे जिनको अभी तक मकान नहीं प्राप्त हो सका है, जो झोपड़ियों में रहते हैं, मकान का अभाव है जिनके पास, वैसे सारे उस न मकान वाले लोगों को जो सूचीबद्ध है उनको 2022 तक मकान मिल जाएंगे। और वह लाभार्थियों की संख्या 1,95,00,000 होगा। 2022 तक आज़ादी के जब 75वें वर्ष में भारत होगा तो वैसे घर, वैसे लोग जो गैस कनेक्शन से और बिजली से वंचित रह गए हैं, ऐसे तो अपने लक्ष्य से भी ज़्यादा हम उस क्षेत्र में बिजली और गैस कनेक्शन के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने काम किया है। फिर भी 2022 तक कोई भी ऐसा घर न बचेगा जिसके पास गैस कनेक्शन और बिजली नहीं होगी। इधर 100 दिनों में गैस कनेक्शन के क्षेत्र में भी बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 80 लाख लोगों को इस 100 दिन में गैस कनेक्शन दिया गया है, जो एक बड़ी ऊंचाई को छूती है। आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीबों के इलाज में जो सुविधाएं दी जाएगी और दी जा रही है, यह अनोखी योजना है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी योजना के रूप धारण कर चुकी है। 50 करोड़ लोग जिससे लाभान्वित होंगे। अब तक 40 लाख 93 हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। 9,74,00,000 से ज़्यादा ई कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जनधन योजना, मुद्रा बैंक, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान, श्रम योगी मानधन पेंशन, किसान पेंशन, लघु व्यापारी मानधन, यह ऐसी कल्याणकारी योजना है जिसके माध्यम से देश के गरीबों का कल्याण होगा, मध्यम वर्ग के लोगों का कल्याण होगा। किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, इसके लिए अनेकों कदम उठाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसान इस देश की आत्मा है। इस देश की आत्मा गांव से खलिहानों से गुजरती है और बढ़ता देश सबरता गांव के नारों के साथ किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का विस्तार करते हुए लाभार्थियों की संख्या 6,37,00,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य, किसानों को मिल रहा है 6,000 रुपये प्रतिवर्ष। किसान परिवार को 6,000 प्रत्येक वर्ष की सहयोग राशि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, वह सपना आज पूरा हो रहा है। किसानों का सपना पूरा हो रहा है कि आज प्रत्येक वर्ष किसान के खाते में डायरेक्ट किस्त वाइज 6,000 प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहे हैं। 100 दिनों में किसान परिवारों के लिए प्रत्यक्ष लाभ के लिए लगभग
8,955 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान कर दिए गए। कुल राशि जो पहले और अब मिलाकर 20,520 करोड़ रुपए होते हैं। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, इस संकल्प के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, यूरिया की कालाबाजारी को रोकना, नीम कोटेड यूरिया लाना, सिंचाई योजनाओं को विस्तृत करना, सिंचाई के लिए किसानों को अतिरिक्त बिजली ग्रिड की स्थापना करना, अलग संचरण व्यवस्था करना, यह किसानों को बहुत लाभ पहुंचाएगा और 2022 तक अपने प्रधानमंत्री जी के उस लक्ष्य को कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, उसको कामयाबी मिलेगी। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। ट्रिपल तलाक लोगों को लगता था कि यह कैसे संभव हो पाएगा, लेकिन संभव को ही असंभव करने का नाम है नरेंद्र मोदी। असंभव को संभव करने का नाम है नरेंद्र मोदी। असंभव को संभव करने का नाम है नरेंद्र मोदी। जब तय हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसको पूरी परिश्रम के साथ, पवित्रता के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर कड़े भी कदम उठाना पड़ते हैं तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी संकोच नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश इकाई द्वारा दुष्कर्म पीड़िता बच्चियों के लिए देश की बेटी मेरी बेटी जिम्मेदारी ले सरकार के नाम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत राजधानी से 15 सितंबर को होगी। मंगलवार को राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने बताया कि देश की बेटी मेरी बेटी जिम्मेदारी ले सरकार के नाम से चलाए जाने वाले अभियान के तहत जनता दल मध्य प्रदेश की ओर से तमाम राज्यों का दौरा कर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपेगी और ज्ञापन के माध्यम से JDU द्वारा दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों के सुरक्षित जीवन के लिए कानून बनाए जाने की मांग की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री को भी इस अभियान के जरिए ज्ञापन दिया जाएगा। देखिए, वो बेटी बचाओ जो भी उनका उद्देश्य है वो भी पवित्र हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पिछली सरकार में भी जब हमने आनंदीबेन की, जब पहली बार ये घटना घटी, एक बच्ची के साथ घटना जयपुर में घटी थी, हमने आनंदीबेन जी को ज्ञापन सौंपा था और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे, हमने ये बात उनसे भी ज्ञापन के माध्यम से की थी, लेकिन मुझे दुख है कि उन्होंने कुछ इस विषय पर गंभीरता से कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और हमारे इस अभियान को अपना समर्थन देंगे। ये अभियान ये राजनीतिक अभियान नहीं है। हमने सभी राजनीतिक दलों से, सामाजिक संगठनों से, सभी NGO से और सभी धार्मिक संगठनों से अपील की है कि इस महाअभियान में अपने आप को जोड़ें और देश की बेटियों के लिए, देश की बेटी मेरी बेटी जिम्मेदारी लेकर सरकार में हमें इस अभियान को सफल बनाएं। अभी तो हमारा पूरा कंसंट्रेट इस सामाजिक मुद्दे को लेते हैं और घटनाएं गरीब परिवार की बच्चियों के साथ घट रही हैं और जब इन परिवार में किसी बच्ची के साथ ये घटना घटती है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ वो परिवार, सबसे ज़्यादा पीड़ित होती है वो बच्ची। हमने ये अभियान उनके सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य के लिए हमने ये अभियान चालू किया है और हमने इसमें सरकार से मांग की है कि ऐसी बेटी को वो अपनी बेटी माने, उसकी शिक्षा फ्री में हो, उसको हर प्रकार की सुविधा दी जाए, सुरक्षा दी जाए और जब बच्ची पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए तो उसको सरकारी नौकरी में रखा जाए ताकि लोग उससे आके वो अपना आगे का सम्मानजनक जीवन कर सके और जब वो सरकारी नौकरी में आती है, कोई बेटी आती है तो निश्चित तौर पे एक नहीं 10 हाथ उससे विवाह करने के लिए तैयार है। तो ऐसे समय पे उसकी विवाह की जिम्मेदारी भी पूरी तरह जैसा एक बाप निर्वहन करता है वैसे सरकार करे और इसका विधिवत कानून बने। देखिए, आप ऐसी बच्चियों को कैसे ढूंढेंगे? आप सरकार के पास जाकर दें, केस दर्ज है और ये अभियान सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में यह अभियान चले और इसके लिए इस हमारे प्रकरण को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे इस अभियान की गंभीरता को समझा और 15 तारीख को
इस अभियान का शुरुआत यहाँ से किया जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और हमारे दूसरे धार्मिक और सार्वजनिक क्षेत्र के लोग भी इस अभियान में इकट्ठे होंगे। हम ये सद्भावना बंधन जो हमने दिया है ना, ये व्रत के माध्यम से हम हर स्कूल कॉलेज और जनता के बीच में लेके जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इसमें अपने समर्थन का एक सद्भावना बंधन बांधें और हमने एक मिस कॉल नंबर दिया हुआ है इसमें, उस मिस कॉल में हमें समर्थन करें। उसके बाद हम ये पूरे डाटा के साथ हम सरकार को ये पूरा देंगे और दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर कि वो इस गंभीर सामाजिक मुद्दे के ऊपर पहल करते हुए कानून बनाए। सर, विगत 70 वर्षों के डाटा के आधार पर आप ये जन अभियान में लोगों की मदद करें? हम तो चाहते हैं कि जितनी भी बच्चियों के साथ घोटा हो वो हो जाए। अब ये तो तय सरकार को करना है कि वो कितने साल पुराने डाटा को लेके जाती है। नंबर क्या है, नंबर जो आपने रखा हुआ उसका नंबर? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। प्रदेश में एक के बाद एक सक्रिय होते मॉनसून सिस्टम ने अब तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। लंबे समय से जारी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे अब जर्जर इमारतें भी ढहने लगी है। गया, गया, गया। वो मैंने वीडियो बना ली। इसी कड़ी में ताजा मामला राजधानी भोपाल के पुराने शहर में स्थित मारवाड़ी रोड का सामने आया है, जहां तापड़िया कॉम्प्लेक्स के पास वर्षों पुरानी एक इमारत तेज बारिश की वजह से जमींदोज हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि इमारत के नीचे खड़ी कुछ गाड़ियों के दबने की सूचना है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर को अचानक एक पुरानी इमारत तेज बारिश का दौर होने के चलते जमींदोज हो गई। सूत्रों की माने तो यह इमारत भोपाल के आखिरी नवाब के खजांची की बताई जा रही है। बना वीडियो बना, पूरी बनाई मैंने, जहाँ से गिर रही थी वो बाइक, वो बाइक कितने से हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मुहर्रम पर जहां भोपाल शहर में तकरीर और मजलिसों का सिलसिला चल रहा है, वहीं शहर में 200 स्थानों पर ताजिए रखे गए हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से ताजिए बना रहे हैं। इनमें से बुधवार स्थित ताजिए खास है, करीब 150 साल से किन्नरों के जरिए से बनाया जाता है। मुहर्रम के 10 दिनों तक बुधवारे में इसे रखा जाता है, इसके बाद विसर्जन होता है। दूसरी ओर मुहर्रम पर्व पर प्राचीन परंपरा के तहत पैगंबर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के प्यारे नवासे ताजेदारे शहीदा ने करबला हजरत इमाम हुसैन साहब की याद में आज हजारों ताजियेदारों, अलमदारों, सवारीदारों, आशिकाने हुसैन ने शहर के अनेक मोहल्ले में हक हुसैन या हुसैन के गगनभेदी नारे बुलंद कर अलम शरीफ बुलंद किए और चौराहे पर लंगर हुसैनी भंडारा में तबर्रुक तथा शरबत बांटा गया। अनेक इमामबाड़ों, खनकाहों, मस्जिदों, मदरसों, आस्थानों, दरगाहों पर नियाज फातेहा और जिक्र शहादत ए हुसैन की मजलिसें हुई। प्राचीन करबला इमामबाड़ा फतेहगढ़ तथा ईरानी इमामबाड़ा स्टेशन में भी विशेष मजलिसों में उलेमाओं की तकरीरें हुई। प्राचीन करबला मैदान में भी रसूमात के साथ हुसैनी भंडारा लंगर आम में तबरुक तकसीम किया गया। Hello!
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत छीतीपुर में बस स्टैंड पर विराजमान गणपति बाप्पा के दरबार में गत रात्रि गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां रात्रि के ईश्वरीय झांकियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने भक्तिमय एवं सुंदर सुंदर भक्ति गानों पर मनमोहक नृत्य के साथ भक्तिमय व शिक्षा प्रद नाटक प्रस्तुत किए, जिन्हें सभी ने सराहा। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए गणेश महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच समरथ सिंह लोधी छीतीपुर एवं नव युवा मंडल गणेश समिति ने उपहार राशि देने के साथ साथ स्मृति चिन्ह एवं गिफ्ट देकर सभी बच्चों को सम्मानित किया। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।